आदत के बारे में जो आमतौर पर महिलाओं को 100% कमर दर्द, सिर दर्द और पैर दर्द की शिकायत होती ही होती है। और महीनों के दिनों में तो यह समस्या होनी ही होनी है। अगर आप कुछ महत्वपूर्ण व्यायामों को लगातार करते हैं तो ये जो समस्या परमानेंट हो जाने वाली है इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको मुख्य आसन जो करने हैं उनके विषय में बताता हूं। सर्वप्रथम आप अर्ध पवनोत्तासन, किसी दरिये कंबल पिछोने में लेट जाए और अपने बाएं पैर को अगर कमर दर्द नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे उठने का प्रयास करें। अगर कमर दर्द नहीं हो रहा नहीं है तो उठें और अपनी चीन को इस पर लगाने का प्रयास करें। अगर कमर दर्द ज्यादा है तो इसे प्रयास ना करें, जितना हो सके उतना आप करें। यह अर्ध पवनोत्तासन है। इसे बारी बारी दोनों पैरों से 5-10 बार प्रतिदिन करें। फिर है पूर्ण पवनोत्तासन। इसमें दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने कमर को उठाने का प्रयास करें। अगर आपको दर्द है ज्यादा तो आप हरकत न करें, चीन को छुलाएं। यह कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अब दूसरा बोस्टर की मदद से आप ऐसा छतर का फोल्ड करके बना लें और इसे कमर के नीचे जहां पर गड्ढा हो जाता है वहां पर रखें या और आप अपने दोनों पैरों को हाथ की हथेलियां कमर के पास और नीचे लाए। जिससे आपकी कमर की मांसपेशियां जो अकड़ गई हैं, जकड़ा गई है, वह में लचीलापन आएगा और आप इसके साथ क्रॉस भी कर सकते हैं। इसे 5-10 बार करें। अब है पुष्ट आसन। आप वज्रासन में बैठते हुए इस प्रकार पुष्ट आसन में बैठे और अपने दोनों हाथों को पीछे जितना ले जा सकते हैं उतना ले जाने का प्रयास करें। इस क्रिया को 10 बार आपको करना है। इससे जिन लोगों का पेट निकल आता है पेट में भी चर्बी कम होगी। अगर आपसे ये नहीं बन पाता है आप दोनों हाथों को कमर पे लगाएं और जितना पीछे जा सकते हैं उतना करें। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बैठ के करें, ऐसे नहीं। इसको इस प्रकार से जितना आपका संभव हो सके
से दस बार जरूर करें। अब है भुजंग आसन। सीधा लेट जाए, इससे आपके हाथ की मांसपेशियां और सीना चौड़ा होगा, साथ में आपकी कमर भी मज उठेगी। आसमान की तरफ देखना है और दोनों हाथों पर से रखें। इससे आपकी कमर की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा और मांसपेशियां आपकी खुलने लगेंगी। कपते हुए मेथी, हल्दी और सौंठ का एक एक चम्मच चूर्ण लेते रहें। यह बहुत ही लाभदायक है। इसमें अब आप करेंगे धनुष। धनुष की तरह की आकृति आपको बनवाना है। यह कमर दर्द के लिए विशेष उपयोगी है। दोनों पैरों को ऐसे खींचे, अब आप करेंगे मार्कट आसन। पैर के दर्द के लिए विशेष, अगर आप अपने पैर दोनों को दाईं ओर मोड़ दें और गर्दन और ऊपरी भाग आप बाईं ओर रखें, ये हुआ मर्कट आसन। ये एक्सरसाइज है दूसरी तरफ दोनों। इसको 5 से 10 बार करें और फिर धीरे धीरे आप 5-5 करके बढ़ाते रहें। फिर एक एक्सरसाइज है, आप अपने ऊपरी भाग को बाईं ओर रखें और पैर शुरुआत में ये कम जाएगा, धीरे धीरे घास होने से ये पैरों के लिए विशेष उपयोगी। इन आसनों को अगर आप कंटिन्यू नियमित रूप से आप समय देते हैं तो आपको कमर दर्द में निश्चित विशेष लाभ होने वाला है और आपकी जो परमानेंट समस्या होने वाली थी वो बिल्कुल ही नहीं रहेगी। आप गिलोय का और गिलोय गठी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्वार पाठा या धृत कुमारी रस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह घुटनों के लिए और दर्द के लिए विशेष उपयोगी है।
धन्यवाद मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आपसे बात करूंगा कि जो लाल आई रेड आई नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑन करें बिल्कुल, जिससे कि जब भी मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं तो आप तक पहुंचते रहें। लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है।